अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपका भाई मौजूद है भाई शान केटर फार्म पे, और शान केटर फार्म में मेरे साथ मौजूद है भाई शहजाद भाई। और शान केटर फार्म किधर मौजूद है, किस तरीके का काम कर रहे हैं और क्या प्लानिंग्स हैं, ये सारा आज जानेंगे। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे एआर मनी चैनल पे शान केटर फार्म की वीडियो आ रही है, और इंशाल्लाह सिलसिला जुड़ा रहेगा इस साल अगले साल इंशाल्लाह। तो शहजाद भाई से मिलते हैं और शहजाद भाई से जो है ना मालूमात लेंगे भाई कि किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, पलाई भी अवेलेबल है या सेल का सिर्फ माल होता है, बकरीद पे सिर्फ करते हैं, क्या सिलसिला है वो सब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद भाई सबसे पहले तो शान केटर फार्म मौजूद किधर है जरा ये बता दें। ये हम क्या बोलते हैं, दुम्बा कोट के ऊपर गुलमोहर सोसाइटी है, गुलमोहर वाटर वर्ल्ड है, वाटर वर्ल्ड से बिल्कुल सामने की तरफ रोड जा रहा है ना, सही है, तो वहाँ पर है गुलमोहर सोसाइटी। गुलमोहर सोसाइटी के अंदर शान केटर, शान केटर फार्म। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएगा अगर गूगल के थ्रू आना चाहे, वरना ये जो आपको लोकेशन बताई बहुत इजी है, टूल प्लाजा के बाद सीधे हाथ पे जो आपका धुम्बा गोट के लिए कट मुड़ता है, उसके बाद आपने जस्ट आना है गुलमोहर सोसाइटी, उसके अंदर सीधा सीधा आपको आके शान केटर फार्म का यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कुछ आपको शॉर्ट्स भी दिखा दें जिसमें आपको इजी लगे। अच्छा शहजाद भाई मुझे ये बताएं कि इस साल पहले तो हमारे पास माल कितना इस टाइम खड़ा है? इस वक्त जो है अपने पास खड़ा तकरीबन 175 के करीब है माल। माशाल्लाह माशाल्लाह 175 के माल करीब खड़ा है, तो इसमें ये सारा फॉर सेल है, मलाई पर भी है, इसमें से जो है वो काफी माल सोल्ड आउट भी हो चुका है, कुछ जो सोल्ड आउट हुआ है वो भी अपने पास पलाई के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अपने ग्राहक जो है ना वो ऐसे हैं कि वो 12 महीने वाले हैं, वो मतलब बुकिंग करवा लेते हैं और फिर बकरीद पे भी इधर से हैं, पलवाते भी इधर ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात होती है। अच्छा पलाई पर भी अब माल है अवेलेबल, जो माल है उसमें किस कैटेगरी का माल है, लो रेट और हाई रेंज या सब बड़े वाला है? हमारे पास जो है ना तकरीबन मिडिल रेंज है, मिडिल रेंज हैवी भी है, मतलब बड़े बड़ा माल भी है, लेकिन हम कराची के हिसाब से जो है ना वो चल रहे हैं कि यार हर किसी के लिए कुर्बानी आसान हो, कुर्बानी सबके लिए आसान हो, हर तबके का बंदा जो है ना तबके का बंदा सके। तो इस वक्त जो है माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इस साल जो आपके पास कलेक्शन है, एक तो दूसरा ये है कि अभी अगर कोई चाहे कि वो 2023 की कुर्बानी के लिए पलवाना कोई दूर बाहर से लाके देना चाहे, या 2024 की अब बुकिंग शुरू हो गई है, क्या सिलसिला है बताएं? अभी जो है ना 2024 की शुरू है, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे पास स्लॉट बिल्कुल भी खाली नहीं है, सब कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। 2023 के तो माजरत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। 2024 में वेलकम करेंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा तो अब मुझे ये बस एक और बात क्लियर कर दें कि 2023 में जो अभी जो फॉर सेल के लिए अवेलेबल होंगे, ऑब्वियसली उनकी तो पलाई अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अवेलेबल इंशाल्लाह होगी, और जो कोई देना चाह रहा है अगले सालों के हवाले से उनके पास अभी से मौजूद है, तो वो इंशाल्लाह बुकिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि 2024 के हिसाब से होगी बुकिंग इंशाल्लाह। तो दोस्तों बस ये था शॉर्टली इंट्रोडक्शन शान केटर फार्म के हवाले से। अच्छा यहाँ पर जो है ना गेने घेनियों का भी बहुत शौक है, वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जो शौकीन हजरात है ना यहाँ आए ना, तो इंशाल्लाह हर किस्म का गहना गहनी मिलेगा। दूसरा ये कि मानी भाई के हमारे जो कस्टमर्स वगैरह हैं वो आते रहते हैं, मतलब कल भी यहाँ पे पार्टी चल रही थी। अच्छा, आती है फैमिलीज वगैरह आती है, बड़ा पुरसकून माहौल है, रात क्या बोलते स्टे करते हैं, पकाते वगाते हैं, सब सब चलता है, मतलब हमारी तरफ से सबको इजाजत है कि भाई आओ, हमारी तरफ से किसी को मना नहीं है। सही सही सही, जो आए फार्म के गेट्स माशाल्लाह सबके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए, हम दूसरों की तरह नहीं कि भाई नहीं, जिसको आना है हमारी तरफ से वेलकम है उसके लिए। सही सही भाई, बड़ा खूबसूरत सा एक लॉन भी इन्होंने बनाया हुआ है जबरदस्त, इधर जो है ना ग्रीनरी की भी है, और होपफुली इंशाल्लाह फैमिली लेकर आएंगे तो आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे शान केटर फार्म पे। तो दोस्तों कुछ जानवर देखेंगे पलाई के हवाले से, जब बताया है तो हम पलाई भी देखेंगे, जो उसमें भले सोल्ड हो या जो है ना अवेलेबल हो तो हम बता भी देंगे भाई ये हमारे पास सोल्ड हो गया है और जो है कौन सा हमारे पास अवेलेबल है, तो देखते हैं पलाई देखेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई शान केटर फार्म की पलाई आपको कैसी लगी है, और जो है ना उम्मीद है इंशाल्लाह जो विजिट पर इंशाल्लाह आना चाहेंगे तो वो भी इनसे कॉन्टेक्ट करके आ जाएंगे। चले वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों भाई सबसे पहले जो है ना एक बिचोला बछड़ा मंगवाया है भाई, माशाल्लाह नस्ल में तो आपको पता है साहिवाल नाव झलर भरपूर। शहजाद भाई क्या इसके जो है वो इसका ये अवेलेबल है या पलाई के लिए? ये अवेलेबल है, ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा दांतों वगैरह में क्या होगा? अभी दो दांत है माशाल्लाह, दो दांत है माशाल्लाह, नाव झलर का बछड़ा अच्छा है और सलामी माशाल्लाह सही, दो दांतों में इस बकरीद के लिए अच्छा रेडी हो जाएगा जबरदस्त।
तो ये शहजाद भाई वैसे हमारे किस रेंज में आएगा, एक मिड रेंज में, लो रेंज में? ये मिड रेंज के अंदर, मिड रेंज में हमारा माल आ रहा है। सही सही, माशाल्लाह। आपने भी निकलवाया है ना छोटा माल? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह भाई। मैं भी देखने वाले को ये बता दूं भाई, माल तो हर तरीके का ही तकरीबन है। ये है कि हमने बोला भाई हर चीज नहीं, हर चीज ही दिखानी है। जाहिर है माल तो माशाल्लाह 200 है, तो अब जाहिर सारे तो दिखाने से रहे। तो ये है कि भाई ये पहला बछड़ा आ गया, इसकी बैक आपने देख ली माशाल्लाह, इसकी कमर माशाल्लाह, नाप झालर तो यार जितनी तारीफ करूँ इसकी कम है, बहुत बेहतरीन बछड़ा बच्चा। चले भाई नेक्स्ट मंगवाते हैं। अरे माशाल्लाह शहजाद भाई, ये आपने तो एकदम ही जो है ना वो मिड से एकदम फुल टॉप पे ले गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये बता दे भाई, देखने वालों को अवेलेबल है या छोड़ लो गया? जी जी अवेलेबल है। ये तो गुड न्यूज आपने सुना दी है भाई, माशाल्लाह। काले अबलग में ये साइज बछड़ा और इतने बनाओ हुए यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ह्यूज साइज है यार, कमाल माशाल्लाह। फिर सबसे बड़ी बात ये कि नाप झालर भी माशाल्लाह मौजूद है भाई, और ऐसे नस्ल के बछड़ों में नाप झालर की कमी होती है, लेकिन इसकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और शाइन है माशाल्लाह। वैसे दांतों में वगैरह में क्या है? ये दांतों में 4 है माशाल्लाह, ये तो प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है यार। इतने बड़े वजूद में अमूमन जानवर 6 या 8 होते हैं, लेकिन ये अभी 4 है यार, जबरदस्त हो गया भाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मीद है आप लोगों को जाइंट ब्यूटी बेहतरीन लगी होगी भाई। शान कैटल फार्म, अच्छा शान कैटल फार्म के हवाले से मैं एक सवाल करना भूल गया, वो ये कि शान कैटल फार्म कितने माशाल्लाह सालों से है? ये तकरीबन इसको 4 साल हुए, चौथा साल ही हमारा। बाकी शौक तो यार बचपन से करते हुए आ रहे हैं ये पहले घर पे करते थे कादर भाई भी माशाल्लाह, तो अब ये कि एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं 4 सालों से। 4 साल हो गए भाई माशाल्लाह शान कैटल फार्म को, और पलाई सर्विस वगैरह और जो है कुर्बानी के ऊपर ये कमाल तैयार करते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वैसे इस साल बकरीद पे जो है मंडी में आने का इरादा है? जी जी है, आएंगे तो सही, हर साल ही आते हैं। अच्छा माशाल्लाह, हर साल ही आते हैं, अपना वीआईपी ब्लॉक में खैबर पिशावरी के सामने हर साल लगता है। सही सही सही, तो इंशाल्लाह इस दफा भाई उम्मीद है आप लोग भी विजिट करेंगे, इंशाल्लाह हम भी पहुंचेंगे भाई माशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को इस बछड़े के तमाम शॉट्स और ये बछड़ा भरपूर जो है ना वो अच्छा लगा होगा, शौक वाला बछड़ा, जाइंट ब्यूटी जिसको कहते हैं ना यार, वो चीज है। तो इसीलिए मैंने इसको जरा शॉर्ट्स भी ज्यादा लिए और अच्छे लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी भरपूर दिखा होगा। चले जी नेक्स्ट मंगवाते हैं। अच्छा दोस्तों भाई, अब आ गई है भाई तीसरे नंबर पे बछड़ी, माशाल्लाह क्या लाल अबलग में बछड़ी है भाई, जबरदस्त हो गया। शहजाद भाई ये अवेलेबल है? नहीं भाई, ये सोल्ड आउट हो चुकी है, ये हमारे कुर्बानी लवर्स हैं उनको दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए यार, क्या पलाई हुई है, बेहतरीन कमाल हो गया भाई माशाल्लाह। अबलग बछड़ी सीना आउट क्लास, झालर माशाल्लाह, बछड़ी की बेल लाम माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त ना उसकी कमर, नहीं कमरा है, और आउट क्लास माशाल्लाह जो है ना वो बछड़ी है। अल्लाह पाक ने जिन्होंने लिए भाई उनके नसीब को कबूल फरमाए, उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। हर साल के अपने गाहक हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हर साल जो है ना अपने पास इनकी जो है पलाई होती है जानवरों की। सही 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 यार, मछली तो बहुत कमाल पाली है माशाल्लाह। वैसे एक देखने वालों को थोड़ा बताएंगे कितना टाइम माशाल्लाह ये अपने पास? तकरीबन इसको हुए हैं 16 महीने। 16 महीने मतलब छोटी से पाली होगी? छोटी से भाई, ये हमारा ज्यादा यही है कि यार अपने पास से माल जो है ना वो अपने पास से परचेज करते हैं, फिर हम ही पालते हैं फिर उसको। जबरदस्त ये हो जाता है फायदा कि लेने वाले को ना पलाई पे अच्छा पल के। हाँ यही है कि उसको यकीन आ जाता है कि यार अगर वो अगला बंदा पैसे भी खर्च कर रहा है तो उसको दिखना चाहिए कि यार मैंने पैसे लगाए हैं तो उसका माल भी बन के आया है, कोई चीज निकली है। सही सही, फिर हम एक चीज ये हो जाती है कि जब शुरू से जानवर हमारे पास है, अब उसकी पलाई हो रही है, तो हमें उसके उसके जो है ना हर चीज का मालूम होता है कि भाई यार इसको क्या है क्या नहीं है, क्या चीज है, इसको कैसे चलाना है। सही सही सही, चलें भाई बहुत जबरदस्त बछड़ी, नेक्स्ट मंगवाते हैं कुछ। चले दोस्तों भाई, आ गया चौथा बछड़ा, और माशाल्लाह गुलाबी नाक का काले अबलग में, और क्या हुस्न है माशाल्लाह इसकी, वाइट आईब्रोज और माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही कोई खूबसूरत। दांतों में क्या है ये शराब? ये इसने तीसरा निकाला है अभी, तीसरा निकाला है दांत। ये अवेलेबल है? जी जी भाई ये अवेलेबल। अच्छा ये वाला अवेलेबल है भाई माशाल्लाह, बनाओ देखे माशाल्लाह बछड़े का, नाप झालर भी माशाल्लाह, उठान वाला बछड़ा है। गुलाबी बच्चों में उठान जो है ना हर चीज, मतलब हर चीज नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह बेहतरीन पैकेज हो जाएगा। ये फेस बहुत प्यारा इसका, हम भी माशाल्लाह अच्छा है, गर्दन का उठान वगैरह जबरदस्त। ये भाई कुर्बानी 2023 के लिए अगर कोई चाह रहे हो तो भाई शान कैटल फार्म पे ये ब्यूटी मौजूद है उनके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुसन जो है ना वो कूट कूट के इसमें भरा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह।
जबरदस्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये बछड़ा ही पसंद आया होगा भाई। चले भाई नेक्स्ट मंगवाते हैं। चले दोस्तों भाई एक और बछड़ा माशाल्लाह देसी बछड़ा फुल बनावट वाला बेहतरीन करके आ गया है भाई। शहजाद भाई ये अवेलेबल है? सबसे पहले तो सवाल। नहीं नहीं भाई ये सोल्ड हो चुका है हमारा। अच्छा माशाल्लाह यार क्या पलाई हुई भी है यार जबरदस्त। ये भी पलाई पर है अपने पास। और ये अंदाजन शहजाद भाई कितने टाइम से अपने पास पलाई पर है? इसको तकरीबन हमारे पास 13 महीने हुए। 13 महीने माशाल्लाह 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 बहुत। रमजानों के बाद हम लोगों ने सोल्ड आउट किया था। ये हमारे फार्म पे ही था। अच्छा अच्छा हमारे फार्म पे मतलब ये छोटे से बड़ा हुआ है। माशाल्लाह 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 बेहतरीन क्या बना हुआ है देसी बच्चे का। और नाव झालर अबलग बछड़ा सलामी तो इतनी बड़ी है माशाल्लाह। ब्राह्मणों को पीछे छोड़ दिया माशाल्लाह। इतनी बड़ी सलामी है माशाल्लाह। और बछड़े का वजूद अपनी जगह बछड़े की एक्टिवनेस बहुत कमाल है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक जिन्होंने लिया उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए भाई माशाल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन नाव झालर फुल सीना चौड़ा जबरदस्त। पीछे की कमर की गुलाइयाँ ऊपर की पुट माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन हो गया भाई माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर वसे बचा। अच्छा दोस्तों भाई वीडियो के एंड में जो है ना भाई ये ब्यूटीज आई हैं और इनका नाम है परी और इससे पीछे वाली जो है ना वो है भाई हूर। और दोनों ही बहुत ही कोई कमाल की। और इनकी खास बात ये है कि भाई ये बिल्कुल छोटी से जो है ना वो पली है कादिर भाई के पास या शान कैटल फार्म पे। तो शहजाद भाई जरा इनके हवाले से बताएं ये दोनों अवेलेबल हैं फॉर सेल या? ये फॉर सेल हैं दोनों। सही सही इसी साल के हवाले से मतलब जी, जी, जी। सही 2023 की कुर्बानी है इंशाल्लाह। तो भाई परी और ये आ गई। और वैसे परी की परी ने याद दिलाई है। बाकी हूर भी माशाल्लाह यार जबरदस्त बेहतरीन है। शहजाद भाई ये दांतों में क्या क्या होंगी अभी? दोनों दो 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 दांत हो गई भाई माशाल्लाह। तो ये है कि भाई पलाई के हवाले से भी देख सकते हैं दो दांतों में और कितनी दुबली पतली वो बता रहे हैं कादिर भाई। इंशाल्लाह मैं अटैच करूंगा दोनों की पिक्चर्स वगैरह जो भी हो। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह दोनों को दिखाएंगे ताकि जो है ना वो आप लोगों को पलाई के हवाले से भी अंदाजा हो सके भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत एक्टिव बछड़ियाँ हैं माशाल्लाह। और खूबसूरत जरा पीछे की तरफ सीना देखें माशाल्लाह 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 बेहतरीन हो गई भाई बेहतरीन। तो ये भाई शान कैटल फार्म का कलेक्शन कुछ कलेक्शन दिखाया है। और जो है पलाई के हवाले से अगर 2024 की पलाई का अगर करवाना हो यहाँ पे कुछ जानवर भी हैं 2024 की कुर्बानी के लिए जो है ना वो अगर आपको देख के लेने हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ही कोई खूबसूरत माशाल्लाह बछड़ियाँ हैं ये भी ज़बरदस्त। दिल आ गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों भाई वीडियो जो है ना स्पेशली एंड कर रहा हूँ मैं। ये कोडू के साथ बछड़ी है ये। और इस कोडू बछड़ी का बनाओ ऐसा भरपूर ऐसी ज़बरदस्त कोडू बछड़ी है भाई। शान कैटल फार्म पे मैं इनवाइट करना चाहता हूँ तमाम कोडू और तमाम गेने शौकीनों को यार। मैंने इतना कलेक्शन जो है ना गेनों का किसी फार्म पे नहीं देखा जितना शान कैटल फार्म पे देखा है। मैंने तो कुछ रखा था इतना ज़्यादा दिखाया ही नहीं है लेकिन ये जो है ना सबसे स्पेशल वन है और बहुत बहुत ही कोई नाइस है। एक तो दूसरा ये कि यार भरपूर बनाओ वाली ऐसे कट्स वगैरह भी माशाल्लाह भरपूर आए हुए। पलाई जो है ना इसकी बहुत ज़बरदस्त हुई है। छोटी सी गर्दन छोटे छोटे से पैर और जो है ना बहुत बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर वस से बचाए। कादिर भाई का शौक ऐसे ही सलामत रखे भाई माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा शान कैटल फार्म की वीडियो बनाने में। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी कलेक्शन पसंद आया होगा। ये थोड़ा बहुत कलेक्शन दिखाया है कलेक्शन बहुत है इंशाल्लाह मेरे थ्रू और इंशाल्लाह मेरे दोस्तों के थ्रू आपको शान कैटल फार्म का जो है ना ये कलेक्शन दिखता रहेगा आगे चल के। बाकी ये कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ईद वगैरह पर भी इंशाल्लाह यहाँ पर कुछ इवेंट होगा तो उसके हवाले से वीडियो फिर आगे चल के आ जाएगी उम्मीद है। और बाकी ये कि बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम अल्लाह हाफिज़।